क्या आपको पता है दोस्तों, फ्री फायर में सबसे पहले गन कौन सी आई थी और कौन सी ऐसी गन स्किन थी जो सबसे पहले लॉन्च की थी फ्री फायर ने। शुरुआती समय में फ्री फायर कितने MB का हुआ करता था और सबसे पहले फ्री फायर में कौन सा इमोट आया था, यह भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। रोनाल्डो, DJ आलोक और ऋतिक रोशन को फ्री फायर वालों ने करेक्टर के लिए कितना पैसा दिया था, यह भी हम आपको बताने वाले है। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस एक्स गेमर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कुछ लोग हमसे कह रहे थे हमारे उसमें 30 रुपए वाला, 29 रुपए वाला या फिर 10 रुपए वाला एयर ड्रॉप नहीं आता है। तो दोस्तों, हमने कई बार लुटाए, हमारे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो क्या कर रहे हैं, तुरंत जाके वो वीडियो देखिए दोस्तों और बड़े आराम से 10 रुपए, 29 रुपए या फिर 30 रुपए वाला एयर ड्रॉप आपके उसमें आ जाएगा। अब चलिए आपको दोस्तों फ्री फायर से जुड़े मिस्टीरियस फैक्ट बताते हैं, ऐसे फैक्ट जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले इमोट की। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर फ्री फायर का पहला इमोट कौन सा था। तो दोस्तों, फ्री फायर में बहुत सारे इवेंट अपडेट तो आते ही रहते हैं और आप देखते हैं नए नए इमोट भी आते हैं। अब दोस्तों, फ्री फायर जब शुरुआत में लॉन्च हुआ था तो उस समय कोई भी इमोट नहीं दिया गया था। बाद में एक या दो अपडेट आए दोस्तों और तभी इमोट भी आए। अब फ्री फायर ने एक साथ 6 इमोट को लॉन्च किया था और पहला जो इमोट था वह हे वाला इमोट था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी हाथ से ऐसे हिलाते हुए हे वाला इमोट। अब बात करें गन स्किन की, तो आप आजकल फ्री फायर में बहुत सारे गन स्किन्स को देखते हैं दोस्तों, पर क्या आपने सोचा है पहली जो गन स्किन आई थी वह कौन सी थी। तो दोस्तों, फ्री फायर में जो पहली गन स्किन आई थी वह UMP की गन स्किन थी, लाल रंग की स्किन थी दोस्तों, और फ्री फायर की पहली गन स्किन इसी को माना जाता है। मैं आपको यहाँ पे फोटो भी दिखा देता हूँ। अब बात करें दोस्तों फ्री फायर के साइज की, तो आज आप देखते हैं फ्री फायर का साइज 1 GB तक हो ही गया है। तो देखिए, जब शुरुआत के समय फ्री फायर आया था तो यह कितने MB था मैं आपको बताता हूँ। उस समय दोस्तों इसका जो MB था वह था FitP6 MB, सिर्फ FitP6 MB का ही था दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 56 MB में कैसे लॉन्च किया होगा फ्री फायर को। तो जब लॉन्च हुआ था फ्री फायर तो 56 MB का ही प्ले स्टोर में मौजूद था दोस्तों। इसके साथ ही क्या आपको पता है दोस्तों, फ्री फायर का सबसे रेयर बंडल कौन सा था। अब जो रेयर बंडल वही होते हैं दोस्तों जो बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं, फर्स्ट इलाइट पास, सेकंड इलाइट पास, ये ऐसे बंडल हैं दोस्तों जो बहुत ही कम लोगों के पास हैं। इसके साथ ही दोस्तों ग्रीन क्रिमिनल बंडल काफी रेयर बंडल माना जाता था, पर फ्री फायर वालों ने वह भी अब दे दिया है, कुछ टाइम पहले ही आया था तो अब वह रेयर नहीं रहा दोस्तों। इसके अलावा एक प्रीडेटर बंडल भी था दोस्तों, जिसके लिए एक अलग से लॉबी आ जाता था फ्री फायर में, तो वह भी रेयर माना जाता है प्रीडेटर वाला बंडल। और इसके साथ ही डीनो बंडल्स भी काफी रेयर माने जाते हैं। अब बात करें दोस्तों फ्री फायर के कैरेक्टर्स की, तो फ्री फायर उन कैरेक्टर वालों को भी पैसा देता है दोस्तों जो असली में मौजूद होते हैं, जैसे कि DJ आलोक को फ्री फायर वालों ने दोस्तों करेक्टर के लिए $5 मिलियन दिया हुआ था। इसके साथ ही बाद में ऋतिक रोशन वाला करेक्टर आया था दोस्तों, तो उसको जो जब वो करेक्टर आया था उन्होंने ऋतिक रोशन को $10 मिलियन दिए थे, जो कि भारतीय रुपयों में होते हैं 60 करोड़ रुपए। अब जो क्रोनो करेक्टर है दोस्तों, जो की आजकल काफी लोकप्रिय बना हुआ है, वह रोनाल्डो का करेक्टर है और रोनाल्डो को फ्री फायर वालों ने 40 मिलियन दिए थे, जो की भारतीय रुपयों में 260 करोड़ रुपए होता है। यानी रोनाल्डो का यह करेक्टर में एक हिसाब से काफी महंगा है यार। अब बात करते हैं फ्री फायर की पहली गन की, तो आपने देखा होगा आज तो फ्री फायर में बहुत सारी गन्स हैं, AR गन है, SMG गन है, शॉर्ट गन्स हैं। तो दोस्तों, फ्री फायर ने सबसे पहले कौन सी गन लॉन्च की थी। तो AR में बात करें तो फ्री फायर ने M4A1 गन को लॉन्च किया था। अब SMG की बात करें तो UMP गन को सबसे पहले SMG वाले में लॉन्च किया था फ्री फायर ने। और शॉर्ट गन पहली जो आई थी फ्री फायर की वह थी M1014, यानी M1014 जो गन है दोस्तों वह सबसे पहले लॉन्च किया था फ्री फायर ने शॉर्ट गन में। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिर कौन सी गन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता होगा, सारे के सारे जो प्लेयर हैं सबसे ज्यादा कौन सी गन चलाते हैं। तो दोस्तों, SMG में सबसे ज्यादा गन होती है MP5 का प्रयोग करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। वहीं AR गन में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है M4A1 का, और शॉर्ट गन में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है M1887, यानी जो दो नलिया बोलते हैं, दो गोली वाला शॉर्ट गन, उसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो फ्री फायर जितने भी लोग खेलते हैं दोस्तों, फ्री फायर वालों के पास डाटा रहता ही है, उसी से यह पता चला दोस्तों कि कौन से प्लेयर, मतलब सबसे
सबसे ज्यादा प्लेयर्स कौन सा गन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब बात करें फ्री फायर में बम की, तो क्या आपको पता है दोस्तों फ्री फायर में बम कितनी देर फेंकने के बाद ब्लास्ट होता है, आखिर कितने सेकंड लगते हैं ब्लास्ट होने में। तो दोस्तों फ्री फायर में बम जब भी थ्रो करते हैं तो 4.5 सेकंड के बाद बम ब्लास्ट होता है। अब तो फ्री फायर वालों ने बम को ब्लास्ट करने का टाइम भी दे दिया है, आप जल्दी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। अब आपने गौर किया होगा जब भी हम फ्री फायर में कोई भी गेम जीत जाते हैं तो बुइया आता है, आखिर इस बुइया का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों फ्री फायर में जब मैच को जीता जाता है तो बुइया जो होता है, बुइया वर्ल्ड का जो मतलब होता है वो होता है हैप्पीनेस, एक हिसाब से जॉय। इसका मीनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जब कोई गेम या जंग जीतता है तो उसके बाद जो खुशी होती है वही बुइया है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन से देश हैं जहां फ्री फायर सबसे ज्यादा खेला जाता है। तो टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया 3 ऐसे देश हैं दोस्तों जहां फ्री फायर सबसे ज्यादा खेला जाता है। और अब एक ही कंट्री जो सबसे टॉप में है वह है ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा फ्री फायर खेला जाता है। साल 2018 में फ्री फायर दुनिया का चौथा ऐसा गेम था दोस्तों जिसे सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। अब वैसे तो फ्री फायर में हमने बहुत सारे व्हीकल्स देखे हैं दोस्तों, बहुत सारे वाहन देखे होंगे आपने गेम के अंदर, पर क्या आपको पता है सबसे तेज वाहन कौन सा है फ्री फायर में? तो वह है बाइक। आपने जो बाइक देखी है दोस्तों वह सबसे तेज जाती है फ्री फायर में अन्य वाहनों की अपेक्षा। और एयर ड्रॉप से आने वाला एकमात्र जो व्हीकल है दोस्तों वह है मॉन्स्टर ट्रक। मॉन्स्टर ट्रक ही ऐसा मतलब व्हीकल है जो एयर ड्रॉप से आता है। अब दोस्तों कुछ लोग मेरे से कह रहे थे, मोनू भाई हमारे पास डीजे आलोक नहीं है, कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिससे फ्री में डीजे आलोक मिल जाए। तो दोस्तों हमने एक विशेष वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, सबसे पहले जाके वह वीडियो देखो। वह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि फ्री में डीजे आलोक कैसे लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मेरे से कह रहे थे दोस्तों कि मोनू भाई हमारे पास बहुत सारे डायमंड रॉयल वाउचर हैं, डायमंड रॉयल वाउचर से फ्री में कैसे डायमंड रॉयल का बंडल लड़ाएं। तो दोस्तों हमने इस पे कई वीडियो बनाए हैं, हमने कई बार डायमंड रॉयल का जो बंडल आता है दोस्तों वह उन्हीं फ्री के वाउचर जो रहते हैं डायमंड रॉयल वाउचर उन्हीं से ही निकाला है। एक बार तो हमने 10 का एक ही स्पिन मारा था, मैजिक क्यूब भी अड़ा लिया और डायमंड रॉयल का बंडल भी अड़ा लिया। लाइव प्रूफ हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जो भी लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तुरंत जाके वह वीडियो देखिए। इसके अलावा कुछ लोग मेरे से कह रहे थे, मोनू भाई वेपन रॉयल में जो लेजेंडरी वेपन के स्किन्स आते हैं वह फ्री में कैसे अड़ाएं, फ्री के जो वेपन रॉयल वाउचर जो कि हमें कुछ इवेंट्स में मिल जाते हैं दोस्तों उन्हीं से ही कैसे निकालें। तो दोस्तों हमने इस पर भी कई ट्रिक वाले वीडियो बनाए हैं। हमारे हाथ में जो आप ड्रैगनों का या स्किन देख रहे हैं दोस्तों ये भी हमने फ्री में अड़ाया है। तो दोस्तों वेपन रॉयल वाउचर से कैसे स्पिन मारा जाता है इस पर भी वीडियो बने हुए हैं चैनल पे, हमने बहुत सारे लेजेंडरी वेपन्स अड़ा रखे हैं वेपन रॉयल से। तो अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी तुरंत देखिए। और कुछ सज्जन मेरे से कहते हैं, मोनू भाई हमें फ्री फायर में कुछ भी खेलना नहीं आता, हमें ये भी नहीं पता कौन से गन से क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें रिक्वेस्ट भेजिए जब भी हम आपको खाली दिखते हैं। और अगर मैं खाली रहा दोस्तों तो जरूर आपके साथ गेम खेलूंगा, और अगर खाली नहीं रहा तो नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों मैं काफी बिजी भी रहता हूं। लेकिन जब भी खाली होता हूं जिस किसी का भी रिक्वेस्ट आता है भले ही उसका लेवल कितना ही कम क्यों ना हो मैं गेम जरूर खेलता हूं। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड नमस्कार।